इसी मंत्र को ऊपर आधार करके बोल पदाचार्य ने जैन वैदत्त को प्रकट किया, जिसको हम श्रुति वाक्य के द्वारा सिद्ध करते हैं कि जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है और युक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है। इसलिए वैदत्त प्रकरण शुरू करते हैं। तो ये जगत जागतिक वस्तु में मिथ्यात्व का आगमन को दिखाने के लिए हमारे बोल पदाचार्य स्वप्न का दृष्टान्त बताए, लौकिक प्रमाण यही है कि
अनुमान के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि विवादास्पद ये जगत अनंत वादियों ने अनित्य तो सभी वादियों ने माना पर नित्य सभी वादियों ने नहीं माना। तो जगत को मिथ्या करके प्रतिज्ञा करते हैं क्यों, ये इसमें दृश्यत्व रूप हेतु बैठा हुआ। जैसे दृष्टांत तो कहते स्वप्न, स्वप्न दृष्ट वस्तु मिथ्या क्यों होते हैं, क्यों अनुपयुक्त काल अनुपयुक्त देश कोई इसको सहमति नहीं होता, कोई प्रबंध वगैरह को मनित नहीं किया जा सकता, स्पष्ट बोध भी नहीं होता। फिर इस प्रकार हेतुओं के द्वारा ये सारा चीज हमारे जागतिक वस्तु में भी दिखाई पड़ते हैं। तो हम जो जगे हुए हैं स्वप्न तो हम नेत्र में जाकर के देखते हैं, बोलते ये जो निद्रा के तत्व को नहीं जानना इसी को हम निद्रा बोलते हैं, अधिष्ठान तत्व को नहीं जानना इसको हम निद्रा बोलते हैं। और इस निद्रा में हम स्वप्न देखते हैं, नहीं जानने के कारण जो अन्नता ग्रहण होता है उसको हम स्वप्न बोलते हैं, और ग्रहण के कारण जो अन्नता ग्रहण होता है इसको हम स्वप्न बोलते हैं, है ना। जब भी यहाँ पे जो सामने हमारे पास सच्चिदानंद रूप एक रस ब्रह्म है, तब हमें जो अनेक नाम रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, और जो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है वो वस्तु मिथ्या होता है। सुनने में बहुत ये भयंकर ये लगते कैसे हो सकता है, क्योंकि समस्त प्रमाण प्रमेय प्रमाण आदि व्यवहार अध्यास करते ही होता है, आत्मा के ऊपर अध्यास करते ही होता है। और जो किसी प्रमाण का ध्यान प्रमाण प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता वो पारमार्थिक सत्य वस्तु है, ऐसा वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार निर्णय करके दिखाया। स्वप्निक वस्तु में मिथ्यात्व को सिद्ध करने के बाद फिर जो है ये जागतिक वस्तु भी उसी प्रकार से स्वाप्निक वस्तु के समान मिथ्या है। जब मिथ्या है तो जिस प्रकार स्वप्न में सारा वस्तु मिथ्या है तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप तो शून्यवादी हो गए। बोलते नहीं हम शून्यवादी नहीं है, समझ नहीं है, तो हम स्वप्न दृष्टा को मिथ्या नहीं बोलते हैं। स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो वस्तु स्वप्न दृश्य वस्तु मिथ्या है, परंतु स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं, वही अधिष्ठान रूप में अंतिम में बचते हैं, इसलिए हमारे यहाँ शून्यवाद की प्रसक्ति नहीं हो। इसी को जो पहले कथन करके आया इसी को संक्षेप में एक श्लोक में समझाने के लिए इस श्लोक के ऊपर भी विचार चल रहा है, श्लोक नंबर 32। हाँ इसको एक साथ पढ़िए 32। न निरोध न च उत्पत्तिर न बद्धो न च साधर न मुक्षुर न वैमुक्त परमा। निरोध कोई चीज की रोकने की नाश करने की प्रतिबंधक लगाने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु पारमार्थिक है ही नहीं, प्रकृति मात्र है। राज्य को ऊपर दिखाई दे रहा है स्वप्न को आपको मारने की आवश्यकता तो नहीं है, उसको ले और उसके प्रति लट्ठी लेकर के दौड़ नहीं, केवल ज्ञान मात्र से अधिष्ठान मात्र ज्ञान से ही अपने आप ही नाश हो जाएगा। क्योंकि उसके हेतु क्या दिया, निरोध करने की नाश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु को उत्पत्ति नहीं, जब कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई तो बंधन कहाँ से आएगा, मुक्ति क्या वस्तु है, न बंधन पारमार्थिक है न मुक्ति है। और बंधन जो अपने को अनुभव करते हैं उसको बोलते हैं साधक, साधक अपने अपने को उस बंधन से मुक्त करने के लिए साधन करते हैं, इसलिए न बद्ध न साधक न मुमुक्षु न वही मुक्त है, हमारी अज्ञान की कल्पना है। मैं साधन करके मैं मुमुक्षु साधक हूँ, मैं मुमुक्षु साधक हूँ, साधन करके बंधन से मुक्त हो जाऊँ, यह कब कल्पना करते हैं, अज्ञान न समय ज्ञान होने के बाद स्वयं अपने आप निश्चय करते हैं कि ना कोई बंधन है ना कोई। इसको समझाने के लिए कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने इस श्लोक में, पेज नंबर 115 यहाँ से चलते हैं कर्म, यहाँ पे जो 114 पेज में आई थोड़ा सा पुनरावृत्ति इसलिए करेंगे क्योंकि आवश्यक ये हुआ कि यदि आप यहाँ पे शास्त्र अद्वैत को शास्त्र सिद्ध नहीं कर सकते, जब अद्वैत को शास्त्र सिद्ध नहीं कर सकता है तो अद्वैत तो प्रामाणिकता कहाँ से आएगा अद्वैत, यदि शास्त्र प्रमाण के द्वारा उसका जाना जाता तब तो अद्वैत प्रामाणिकता,
उसको लेकर के बोलते हैं कथम पुण्य स्वरूप व्यापार अपरम के इसका टीका भी पढ़ते हैं केवल भाष्य में आ जाएंगे। व्यापार शास्त्र से दैत्य विज्ञान निवर्तकत्वम, यदि स्वरूप में शास्त्र का व्यापार नहीं होता तो द्वैत विज्ञान का निवर्तक कैसे हो सकता है, जो प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकते, ये तो बात सही है। परंतु प्रमाण क्या करता है, जो हमारे ऊपर आरोप किया हुआ है उस आरोपित वस्तु को निषेध करता है। तो इसलिए कोई गरीब बात नहीं है कि अधिष्ठान नहीं दिखाई देने पर भी अधिष्ठान को हम व्यवहार तो करते हर जगह पे मैं करके व्यवहार होता है, मैं करके व्यवहार होता है। इसलिए जब आप बोलती हैं कि मैं सुखी हूँ, आप बताओ कि कौन सा मैं को बोल रही हैं आप। शरीर में तो सुख धर्म सुख दुख धर्म नहीं है, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के मन मानसिक धर्म का अभिव्यक्त करते हैं, मैं सुखी हूँ अथवा अनुकूल प्रतिकूलता के मैं दुखी हूँ, इसको का नाम बोलते हैं। इसलिए वो मैं संपूर्ण अविषय है ये बात नहीं है, परंतु प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता। इसलिए आप ये नहीं समझना कि प्रमाण के द्वारा जाना वस्तु ही अधिष्ठान होगा, क्योंकि आपने क्या कहा रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प, उस सर्प रज्जु सर्प के जो अधिष्ठान रज्जु है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना जाता है कि नहीं। रज्जु के ऊपर जो सर्प दिखाई पड़ रहा है उस रज्जु रूपी अधिष्ठान को प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, परंतु आप जो जगत भ्रांति की अधिष्ठान रूप में आत्मा को कह रहे हैं तो क्या ये किसी प्रमाणगम में होता है, जो प्रमाणगम में नहीं है फिर आपके सिद्धांत को प्रामाणिक कैसे होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रमाण के द्वारा देखने पर ही वो सिद्ध हो, बिना प्रमाण से भी यदि हमारी भ्रांति से कोई चीज हमने मन में बैठा लिया और कोई आके कह दे नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो भ्रांति यदि मिट जाती है यही प्रमाण की उपयोगिता है। मैं कथा के रूप में बताया था एक व्यक्ति को भ्रांति से मन में आ गया था क्या, इतना ऊंट इतना रोई लेके जा रहा है, कौन कटेगा कौन बीनेगा कौन इसको भरण पट्टी करेगा धागा बना के इतना कौन करेगा, ये चिंता सी बेचारा का दिमाग खराब हो गया। सब लोग परेशान रहे इसको बोलते नहीं नहीं इतना रुई कहाँ जाएगा क्या करेगा, ये चिंता लेकर के कुछ तो आपने कल्पना कर लिया, एक नो ऊट देखा बाकी कल्पना कर रहे हमारे मन। एक दिन एक महात्मा आए और क्या बोले, क्या हो गया तुम्हारा महाराज इतना रुई गया इतना रुई गया, तो कौन करेगा कौन बीनेगा कौन भुनेगा, अरे इसके लिए तुम्हारे चिंता है, कल मैं गया था वहाँ पे मैं यही सोच के गया था, सब बात कर रहे थे ना, इसमें एक व्यक्ति ने बीड़ी क्यों लगा और वो बीड़ी की आंख माचिस फेंका सारा रूह एक साथ जाएगा। अब ये व्यक्ति वहां जाकर के प्रमाण के तरह देखा गया क्या कि रूह, वो तो आपने हाँ मैंने बोला था ठीक है सारा विचार जा गया हाँ। इसी प्रकार अज्ञान से भ्रांति से जो वस्तु को हमने मन से कल्पना की थी और कोई आपके बात को सुन करके वो भ्रांति में है ना, और इसलिए प्रमाण वस्तु में ही वो अधिष्ठान हो ये जरूरी नहीं है, ज्ञान तो भी होना चाहिए समझ में आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं नैश दोष जो है ना कि रज्जाम सर्पाधिपत आत्मने द्वैत सवित अध्यस्त, रज्जु में सर्प समान आत्मा में समस्त द्वैत प्रपंच का वो अध्यस्त है। कथम बोलता देखो कहाँ से अध्यस्त किया, सुखी हम दुखी हम मूढ़ो हम जात हो मृतो जीर्णो देहवान पश्यामि श्रेणो में व्यक्त अव्यक्त कर्ता बड़ी संयुक्त वियुक्त चैन मृत अहम, शुरू से अहम से लेकर के सारा अहम का विशेषण हो गया, विशेष हो गया अहम, सारा उसका सुखी दुखी मूढ़ो जैसा विशेषण हो गया। मम इति सहिति एव मादय सर्वे आत्मनि अध्यारोप्यन्ते, सब आत्मा में आप बताओ कि आत्मा किसी प्रमाण के द्वारा आपने जाना, मैं सुखी दुखी हूँ, आत्मा तो किसी प्रमाण का धर्म अनुभव में आते हैं, हमारी मनोवृत्ति के साथ आध्यात्म करके मैं सुखी बनता हूँ, मनोवृत्ति के साथ आध्यात्म करके मैं दुखी हो जाता हूँ, इसी प्रकार जब मैं बोलता हूँ मैं मूर्ख हूँ तब बुद्धि के साथ आध्यात्म करके बोलते हैं, मैं पैदा हुआ हूँ तब मैं क्या करता हूँ कि शरीर के साथ आध्यात्म करके बोलते हैं, मैं मर गया हूँ तो मैं शरीर के साथ आध्यात्म, जीर्ण देहवान मैं बूढ़ा हो गया हूँ मैं शरीर धार्य हूँ, देखता हूँ सुनता हूँ तब इंद्रियों के साथ आध्यात्म होता है। इस प्रकार से ये सब मैं जो है अलग अलग उपाधियों के साथ आध्यात्म का ही व्यवहार करता है। मतलब पूरे शास्त्र जब बताते हैं अरे ये सब व्यवहार उपाधि में है तो भ्रांति से आध्यात्म कर लिया, इसीलिए तुमको लगता है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, सुख दुख मैं की धर्म नहीं है मन की धर्म है, इसी को मन में रखती है फिर बोलता आश्रित एवं महादेव सर्वे आत्मा ही अध्यारोप।
आत्मा एतेषु अनुगत सर्वत्र अव्यभिचार। देखिए यहाँ पे व्यभिचार कौन कर रहे, सुखी दुखी जीर्ण दंड देहमान ज्ञात मृत ये सब व्यभिचार कर, मतलब परिवर्तन होता जाए, परंतु मैं इसकी परिवर्तन नहीं हो रहा है। आत्मा इन सभी में अनुगत रहते हुए और अव्यभिचार है, जैसे यथा सर्पधारादि भेदेषु रज्जु एक ही रज्जु अनुगत रहते हैं, सर्प जलधारा भूसूत्र माला दंड सभी में वही रज्जु अनुगत है, अलग अलग नाम से कहते यथाच एवं इति विकुल विशिष्य स्वरूप प्रत्ययस्य सिद्धता। इस प्रकार से जो विशिष्य है और अहम, ये स्वरूप अपने आप ही समझ में आता है, न कर्तव्य शास्त्र उसको समझाना शास्त्र का कर्तव्य नहीं है। शास्त्र क्या समझाएगा हमको, वो जो तुमने अपने ऊपर आरोप कर रखा ये तुम्हारा धर्म नहीं है, जो तुम समझ नहीं पा, तुम अपने को तुम समझ रहे हो पर जिस उपाधि के साथ तुम समझ रहे ये तुम्हारा धर्म नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं यदा च एवं विशेष रूप प्रत्यय सिद्धत्वा न कर्तव्य, विशेष रूप प्रत्यय जब अपने आप सिद्ध हो जाता है तो शास्त्र को उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि अकर्तिकृतम च शास्त्र, देखिए एक नंबर टिप्पणी क्या हो रहा था, अज्ञात ज्ञापकम, कोई भी प्रमाण एक अपने विशिष्ट प्रमेय वस्तु के लिए प्रमाणित करता है, एक प्रमाण दूसरे प्रमाण के प्रमेय वस्तु को प्रमाणित नहीं करता, और वो अज्ञात होना चाहिए, दूसरे प्रमाण के द्वारा नहीं जाना चाहती है। शास्त्र यदि ऐसा कुछ कहता है जो हम दूसरे प्रमाण से जानते हैं वो शास्त्र की अनुवाद भाव है, और शास्त्र की वो भाग जो हम दूसरे प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है वो शास्त्र के प्रतिपाद्य भाव है, वो प्रतिपाद्य भाव है। इस चीज को मन में बिल्कुल बैठा के रखना। आप बोले कोई बोलेगा है शास्त्र में तो हमारे सृष्टि आदि के वर्णन किया हुआ है, सृष्टि ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता है, पंचभूत बना हुआ बोलते, ये बात जो आपको दिखाई पड़ रहा है यदि ये श्रुति कहती है तब तो आप समझना कि ये अनुवाद भाग है, क्योंकि दूसरे प्रमाण से आपको दिखाई दे रहा है, परंतु जो नहीं दिखाई दे रहा सृष्टि करता, जो नहीं दिखाई दे रहा सृष्टि करता वो सृष्टि का प्रतिपाद्य भाग, इसलिए सृष्टि का अनुवाद करते हैं, सृष्टि का अनुवाद करते हैं। इसलिए होता अकृत कर्तिक शास्त्र कृत अनुकारी का प्रमाणम, मतलब यदि वो जो किया हुआ है उसी को यदि अनुवाद करते हैं तो शास्त्र की अप्रामाणिकता हो जाएगी। इसलिए मतलब कृत इत्यादि सिद्ध अनुवादित जो दूसरे प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है उसी को यदि शास्त्र बोलते हैं तो शास्त्र की प्रामाणिकता की हानि हो जाती है। इसलिए कृत अनुकारी अप्रामाणिक जो, क्योंकि अविद्या अध्यारोपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधा एवं आत्मन स्वरूपेण अनवस्था में। क्या होता है कि अविद्या के द्वारा अध्यारोपित अज्ञान के कारण अध्यारोपित, क्या मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं जात हूँ, मैं जीर्ण हूँ, मैं बालक हूँ, मैं व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, मैं कष्ट हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ये सारा जितना हमने अज्ञान से आत्मा के ऊपर आरोप कर रखा, मतलब उपाधि के धर्म के साथ मैं तादात्म का ये व्यवहार करता हूँ, ये विशेष प्रतिबंधात एवं, इसलिए जो स्वरूप इस प्रकार से आत्मा की वो विशेष के द्वारा प्रतिबंधित हो जाने के कारण वो आत्मा के स्वरूप जो निर्विशेष है वहाँ पर वो स्थिर नहीं होगा, विशेष के द्वारा प्रतिबंधित हो जाने के कारण हमको अच्छा लगता है, लोग कहते हैं तो ये इतना गुणवान है, ये गाना गाता है, ये बोली बोलता है, ये दौड़ता है, ये खेलता है, जो भी कुछ बोलते हैं ये सब विशेष के साथ अनुवाद करके जो मैं आपको बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, और इसके कारण हम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते, निर्विशेषता में आ नहीं पाते। इसलिए बोलते हैं या तो अविद्या अध्यारोपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंध, सुखित्वादि विशेष के द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण ही आत्मन स्वरूपेण अनवस्थानम, आत्मा अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता और स्वरूप में स्थिर भी नहीं हो पाता। परंतु नहीं पाता क्या नुकसान है, पता नुकसान नहीं है, जब तक आप उपाधि के साथ व्यवहार करोगे तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहोगे। इसलिए स्वरूप अवस्थान स्वीय स्वरूप में विशेष रूप में नए नए सबसे श्रेष्ठ है, कुछ भी विशेषता दिखाने जाएंगे तो हमारे लिए एक परिचिन्न का विमान और बना, इसलिए सामान्य रूप से रहने स्वयं यहाँ तक हमने फल इसका टीका भी हो गया था। हाँ, इसे जब टीका मतलब प्रतिषेध शास्त्रिका के लास्ट लाइन देखिए, प्रतिषेध शास्त्र अपनित प्रतिबंध निषेध शास्त्र के से प्रतिबंधित अपनित हो जाने पर स्वरूप अवस्थान प्रतिजा, हम अपने ऊपर जो आरोप कर रखा था निषेध शास्त्र जब कहते हैं तू कर्ता भोक्ता नहीं है, तू अशुद्ध है, अकर्ता है, अभोक्ता है, एक
क्योंकि पूर्व मीमांसा दर्शन में 80,000 मंत्रों के द्वारा सामर्थ्य जीवात्मा को कर्तापक्ष सिद्ध कर दिया। फलतो फिर उपनिषद भाग में आकर के बोलते हैं, वो तो तुम्हारे अंदर एक शास्त्रीय आचरण लाने के लिए, तुम्हारे अंतकरण शुद्धि के लिए ऐसा कहा गया। वास्तविक तुम कर्तभुक्ता हो, प्रत्यक्ष भक्ति का फल है। इसलिए होता है प्रतिषेध शास्त्र अपनीते प्रतिबंधे, प्रतिषेध शास्त्र से वो प्रतिबंधक मिल जाने पर स्वरूप अवस्थान अपने स्वरूप की पारमार्थिक स्थिति निराकार निर्विशेष और असंगता, ये जो है स्वरूप अवस्थान फल ये अभिप्रेत है। निशेष दुख निवृत्ति निरतिशय आनंद अवाप्तिश्च परम श्रेय। तो परम श्रेय प्राप्त नहीं हो सका नुकसान है बोलते सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहते हैं तब विपरीत आनंद में ही रहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति दुख चाहता है क्या? आज तक कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाकर या किसी व्यक्ति के पास, कोई महात्मा के पास जाकर कोई ये कहता है महाराज मैं 6 साल से मेरे पास दुख आया ही नहीं है, ऐसा कुछ करो मेरे को थोड़ा दुख नहीं है, तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दवाई दीजिए मैं थोड़ा बीमार पड़ जाऊँ, कोई नहीं कहता, सब इसका उल्टा ही कहना है ना। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं निशेष दुख निवृत्ति है ना, दुख थोड़ा सा भी मेरे पास ना हो उसकी निवृत्ति, और निर्दिशय आनंद अभाव, जिस आनंद को अतिक्रमण करके और कोई आनंद नहीं होता, इस प्रकार आनंद की प्राप्ति से परम श्रेय, इसी को हम परम श्रेय कहते हैं ना, इसी को हम मुक्ति कहते हैं। न स्वरूप अवस्था, ये स्वरूप अवस्था मतलब ये नहीं कि आत्मा में बैठा, आत्मा कोई ऐसा नहीं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति निर्दोष आनंद की प्राप्ति, यही हमारे स्वरूप का आनंद है। यदि आशंका हम स्वरूप अवस्थान, इस प्रकार के स्वरूप में जब तक हम उपाधि के साथ तालात्म रखेंगे तब तक इस स्वरूप में हम स्थिर नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए मोक्ष शास्त्र में प्रसिद्ध स्वरूप अवस्थान ही मुक्ति, क्योंकि प्रसिद्ध मोक्ष शास्त्र विशेष इस प्रकार से मोक्ष शास्त्र में ये प्रसिद्ध। द्वैत निवर्तकत्व शास्त्रस्य कारकत्वं स्यात् इति आशंका। एक हमारा सामान्य है, शास्त्र तो ज्ञापकम न तो कारकम, कारक मतलब क्रियावत्तम कारकत्वम, जो कुछ क्रिया करता है उसको हम कारक बोलते हैं। शास्त्र ज्ञापक है, कारक नहीं है। ज्ञापक मतलब हमारे सामने ये चीज बोध कराने की, ये वस्तु ऐसा है, परंतु शास्त्र कुछ करके नहीं दिखाता। यदि शास्त्र इस प्रकार द्वैत को मिटाए तब तो उसके अंदर कारकत्व आ जाएगा, ऐसा कोई बोल सकता है? द्वैत निवर्तकत्वे शास्त्रस्य कारकत्वं स्यात्। यदि द्वैत को मिटाने वाला शास्त्र हो जाता है तो उसमें तो कारकत्व धर्म आ जाएगा। यदि आशंका ऐसा तो शंका करते हैं, उसको उत्तर बोलते हैं सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मनि असुखित्वादि प्रत्ययकरणेन नेति नेति अस्थूलादि वाक्य ही। तो यहाँ पे 4 नंबर और 5 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, पहला टीका के ऊपर है ना, द्वैत निवर्तकत्वे शास्त्रस्य कारकत्वं, कारकत्वं मतलब कारकत्वं जो है ज्ञान इतर जनकत्वं अवगंतव्य, जो शुद्ध ज्ञान से भिन्न किसी प्रकार की ज्ञान उत्पन्न करते हैं वही कारकत्व यहाँ पे मान्य होगा। और सुखित्वाद मतलब सुखित्वादि भी यथा शास्त्र तथा च शास्त्रजन्य ज्ञानस्य सुखित्वादि निवर्तकत्वेन शास्त्रे तन्निवर्तकत्व व्यवहार औपचारिक भाव इति शेष। मतलब क्या हो गया, शास्त्रजन्य ज्ञान से मैं अपने ऊपर जो सुखित्व दुखित्व मूढ़त्व जातत्व जो भी कुछ हमने आरोप कर रखा है, क्या होता है सुखित्व उसका निवर्तक होने के कारण शास्त्र में तब निवर्तकत्व व्यवहार, शास्त्र उसका निवर्तन कर दिया, किस प्रकार का व्यवहार होता है ना वो औपचारिक गौण प्रयोग है। शास्त्र ने किसको जिस प्रकार किसी कपड़े के ऊपर अथवा किसी कागज के ऊपर हमने पेंसिल का दाग लगाए, फिर उसको हम क्या करते हैं रबर से मिटाते हैं अथवा साबुन से धोते हैं, तो कारक व्यापार होता है वहाँ। इसी प्रकार हमने जो अपने में सुखित्व को आरोप लगाया उसको कैसे मिटाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, केवल मात्र अपने स्वरूप को जानने ले पाई कि मैं असंग व्यापक हूँ, ये सुखित्व दुखित्व आदि धर्म मुझे में नहीं है, तो अपने आप ही जाते। इसमें शास्त्र को कुछ नहीं कर, शास्त्र केवल इसका ज्ञापक होता है, बोध है, बोलता है तुम वास्तविक ऐसा हो और कोई अलग व्यापार उत्पन्न नहीं करता। मान
इस प्रकार इरेजर से हम सिलाई को मिटाते हैं अथवा कोई दाग मिटाते हैं, ऐसा यहाँ पे व्यापार आरोपण का नहीं है। तथा जो शास्त्र जगत ज्ञान है, शास्त्र से उत्पन्न होता है जो ज्ञान टीका में टिप्पणी में सुखित्वादि निवर्तक न सुखित्वादि जितना भी धर्म हमने अपने ऊपर आरोप कर रखा है उसका निवर्तक के रूप में शास्त्रीय निवर्त इसलिए होने के कारण निवर्तक न शास्त्रीय निवर्तक शास्त्र में जो कहता है कि द्वैत व्यवहार के निवर्तक धर्म संपद है औपचारिक धर्म शास्त्र कुछ नहीं करता। जब मैं अपने को मान्यता दिया मैं मनुष्य हूँ और फिर ब्राह्मण और मैं गृहस्थ हूँ अथवा मैं मानव पुष्ट हूँ तो शास्त्र ने हमारे इस वर्ग और आश्रम में जो कर्म शास्त्र मेरे को सर करने के लिए बोलते हैं ऐसा आरोप करते हैं। अब जब धीरे धीरे शास्त्र की गहराई में जाते हैं वेदांत के भाग में आ जाते हैं और शास्त्र कहते हैं तू मनुष्य नहीं है तू क्या है असंख्य पूर्ण व्यापक आत्मा है। तो जो हमने आरोप कर रखा था वो अपने आप शास्त्र वाक्यों को हमारा विश्वास है। पहले शास्त्र वाक्यों को पर विश्वास करके हमने धर्म आचरण किया था उसका फल मुझे मिला। अब वही मैं जब आगे भाग में जा करके जब उस शास्त्रों की तात्पर्य इसमें वहाँ पे जब मैं मन लगाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं इस प्रकार मनुष्य करता भोगता नहीं हूँ मैं असंग व्यापक को मत करता हूँ। शास्त्र इतना ही मात्र काम करते हैं उस जो है राम जी को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं ये शास्त्र में कि द्वैत निवर्तक शास्त्र से कारकत्वस्यादि आशंकार सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम है ना। आत्मा में जो आरोप कर रखा सुखित्व दुखित्व मुदत्व जाकर उसका निवर्तक कौन है शास्त्र। आत्मनि असुखित्वादि प्रत्यय करण आत्मा का आत्मा में सुख दुख कुछ धर्म नहीं है इस प्रकार प्रत्यय मत इस प्रकार बोध उत्पन्न के द्वारा इस प्रकार आत्मा संबंधी जो भ्रांति था उस भ्रांति को मिटा करके स्वरूप संबंधी प्रत्यय करण निश्चय करण के द्वारा किस प्रकार वाक्य शुद्धि बोलती है कौन सा वाक्य शुद्धि बोलते हैं अथा तो आदेश नेति नेति जबरदस्त फिर मुक्ता मुक्ता का अथवा अस्थूल मन अनुवार समदीर्घम अलोहितम अशुक्नम कृष्ण इस प्रकार से भी वेदार्णव का अक्षर काम है। इस प्रकार निषेधात्मक वाक्यों के द्वारा नेति नेति अस्थूल आदि वाक्य ही इस प्रकार निषेधात्मक वाक्यों के द्वारा सुखित्व आदि निवर्तकम शास्त्रम आत्मनि असुखित्व आदि प्रत्यय करने न उसको कहता है आप इस भ्रांति को मिटा देते हैं। अब देखिए ये सुखित्व आदि धर्म यदि अतः असुखित्व तथा सुखित्व दुखित्व मान लीजिए दुखित्व धर्म यदि आत्मा में पारमार्थिक होता तब ये कभी मिटने वाला होता। जिस प्रकार दुखित्व मैं दुखी हूँ ठीक है ना। अब वो दुखित्व धर्म जैसा मैं के ऊपर दुखित्व दिखाई दे रहा है मैं जैसा सत्य है ऐसे ही दुखित्व धर्म सत्य होता तब कहता दुखी मैं सुखी विपरीत बोलना पड़ता क्योंकि मैं किस अनुभूति के साथ दुखित्व की अनुभूति हो ठीक है ना। अब जिन जा तो मैं मृत्यु ऐसा बोलना पड़ता ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि देखो सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मनि असुखित्वादि प्रत्यय करणेन नेति नेति अस्थूलादि वाक्य इस प्रकार वाक्यों के द्वारा शास्त्र क्या करते हैं आत्मा में असुखित्वादि प्रत्यय के द्वारा हमारा भ्रांति को मिटाते हैं। यदि आत्मस्वरूपवत् सुखित्वादि अपि सुखित्वादि भेदेषु न अनुवृत्तो अस्ति धर्म। देखिए क्या होता है आत्मस्वरूप दृष्टान्त दिया आत्मस्वरूप मतलब मैं करके सब में अभिवृत्ति हो जाए आत्मस्वरूप के समान असुखित्वादि अभी यदि असुखी अदुखी इस प्रकार दो भी मान लीजिए असुखी मैं दुखी हूँ इस असुखित में दुखी पहले शुरू किया था मैं सुखित्वादि भेदेशु मतलब ये जो आप इस समय आपको सुखी देखते हो जीव जो देखते हो मन देखते हो जिस प्रकार आत्मा की अधिष्ठान आत्मा अधिष्ठान मैं हूँ इसको सुखी दुखी ये सब आपने आरोप किया दुखित तो एक धर्म पहले आपने लिए यदि आत्मा की तरह समान कैटेगोरी का होता तब क्या होता जब मैं सुखी बोलता हूँ तब क्या हो जाएगा दुखी मैं दुख का भी अनुवृत्ति होगा तो सुखी नहीं बोल पाएंगे। इसी प्रकार यदि जातत्व आपका समझ तो क्या हो जाएगा आप मृत्यु नहीं बोल पाओगे क्योंकि तब तो जिस प्रकार मैं जो अनुवृत्ति आ रहा है उस प्रकार जातत्व की अनुवृत्ति आता एक ही साथ जातत्व की अमृतत्व एक साथ कैसे हो सकता है संभव नहीं। इसलिए बोलते आत्मस्वरूप
असुखित्वादि अपि सुखित्वादि भेदेषु जिस समय कोई सुखित्व मूढ़त्व जातत्व व्यक्तत्व व्यक्तत्व आदि सभी विशेषों में अनुकृत धर्म न अस्ति ठीक है ना अनुधर्म अनुवृत्त धर्म न अस्ति आत्मवत् आत्मा जैसा अनुवृत्ति होता है मैं करते किसी भी एक धर्म की अनुवृत्ति दूसरे में नहीं आता केवल मैं शुद्ध मैं की अनुवृत्ति आती है इसीलिए कोई सत्व है बाकी सब व्यर्थ ही जाती है इसलिए बोलते हैं कि आप एक पंक्ति को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा विचार करना क्या बोलना चाहते हैं आपको आत्मस्वरूप ये दृष्टांत हो गया असुखित्व आदि जो हमारे अंदर हमने जो आरोप कर रखा है ना असुखी मैं दुखी हूँ मैं मृत हूँ मैं फल भोगने वाला हूँ इस शब्द भी सुखित्व आदि भेदेशु जो मैंने मान रखा उसका विपरीत जब हमको प्रतीति होते हैं यदि कुछ विपरीत धर्म भी यहाँ पे आता आया होता जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है ठीक है ना हमने अग्नि में शीतलता की आरोप कैसा आरोप किया गंगोत्री में बर्फ के समय हमने आग जलाया ठंडे रह गया मेरे को ठंड मिली अब यदि हम नीचे भी आकर के यदि वही अग्नि की शीतलता का हम आरोप करेंगे तो हम उष्णता की कभी बोध नहीं तो इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर दुखित्व को जो हमने आरोप कर रखा सुखित्व आदि भेद में यदि उस आत्मा की जैसा अनुवृत्ति होता है और दुखित्व की भी यदि अनुवृत्ति होती तब हम कभी भी सुखित्व का अनुभव नहीं कर पाते इसलिए बोलते हैं कि अनुवृत्त धर्म नास्ति यदि अनुवृत्त शैत न अध्यारोपित सुखित्व आदि लक्षण विशेष यदि उसकी अनुवृत्ति होती ना तब वो अध्यारोपित धर्म नहीं होता वो पारमार्थिक धर्म होता पारमार्थिक धर्म मतलब क्या होता वो कभी मुक्त होने का आशा मत रखना कभी मुक्त होने का आशा नहीं रखना यदि अनुवृत्त शैत यदि उसकी अनुवृत्ति होती न अध्यारोप्य तथा वो अध्यारोपित वस्तु रहता सुखित्व आदि लक्षण विशेष वो सुखित्व आदि लक्षण विशेष न अध्यारोप्य तो सुखित्व आदि लक्षण के द्वारा जो आत्मा में विशेष दिखाई पड़ते हैं यदि वो आत्मा की पारमार्थिक धर्म हुआ होता तब क्या होता वो अध्यारोपित आप नहीं कह सकते थे अध्यारोपित नहीं होने के कारण वो मुक्त भी नहीं हो सकते ये चीज तो है ये जो इतना यहाँ पे इसलिए सुखी हम दुखी हम मूढ़ हम जात हम मृत हम जीर्ण हम या तो सभी में अनुवृत्त कौन है अहम 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 इसमें से कोई भी एक धर्म यदि अहम की तरह सत्य होता इसमें से कोई भी एक विशेष यदि अहम की तरह सत्य होता तो उस समय अनुपयी बोध के समय इसकी भी अनुवृत्ति होती अंत ऐसा नहीं होता अब यदि वो पारमार्थिक हुई होती तब क्या होता कभी हम उससे मुक्त भी नहीं हो पाते मुक्त भी नहीं होगा इसलिए बोलते हैं यदि अनुवृत्त है न अध्यारोपित सुखित्व आदि लक्षण विशेष दृष्टांत क्या दिया यथा औष्णत्व विशेषवती अग्नोषितता है ना अग्नि अग्नि के विशेष सामान्य धर्म क्या है उष्णता उसमें हमने कभी शीतलता के आरोप कर दिया जो शीतलता के आरोप अग्नि में पारमार्थिक हुई होती तब कभी भी हम किसी भी जगह में जाकर के ठंड के समय आग को नहीं जलाते हम जानते हैं कि बर्फ के समय अग्नि में उतना सामर्थ्य नहीं छोटा थोड़ा सा अग्नि जला बर्फ बहुत ठंडा अब उतना ठंड मिटा नहीं पड़े इसका मतलब अग्नि मतलब शीतल है ये बात नहीं है अग्नि उष्णता धर्म है यदि अग्नि में शीतलता धर्म की अनुवृत्ति हुई होती तब कभी भी आप अग्नि की उष्णता के लिए व्यवहार नहीं कर उसे मुक्त नहीं पाएंगे इसलिए तथा औष्णत्व विशेषवती अग्नोषितता तस्मात् निर्विशेष एवं आत्मनि सुखित्वादयो विशेषः कल्पितः इसलिए निर्विशेष एतस्मात् इसलिए तस्मात् तीन नंबर के तस्मात् निस्सामान्य विशेषत्वे न आत्मनो अखिल धर्म अखिल धर्म अनाशकंदितत्वात् इति अर्थ निस्सामान्य विशेषत्व में क्या लिखा है निस्सामान्य विशेषत्व होना चाहिए सामान्य विशेष निर्विशेषे अक्षर यहाँ पे तस्मात् तीन नंबर निस्सामान्य विशेषत्व न आत्मन अखिल धर्म अनस्कंदित सामान्य विशेष दोनों रूप में नहीं बल्कि भी समस्त धर्म के अस्कंदित तथा गंधित भी नहीं है आत्मा इति अर्थ है इसका निरूपण करते हैं इसीलिए तस्मात् निर्विशेषे आत्मनि एव निर्विशेष आत्मा में ही ये निर्विशेष होने के कारण ही ना इसमें इतना सारे धर्म के आरोप होता है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या बोलते हैं रसोहम अक्षुपोलिते ब्रह्मास्मि शशि दुर्गे प्रणव सर्व वेदेषु शब्दम् एव बहु शब्देषु
अब तब मैं क्या हूँ कि जल की शीतलता मधुरता नहीं, अग्नि की उष्णता नहीं, मतलब क्या उस उपाधि में उस धर्मों जिस मेरे निमित्त से अभिव्यक्त होता है ना, तो धर्म मुझ में नहीं है। यदि वो धर्म पारमार्थिक मुझ में हुई होती तब एक ही वस्तु शीतल उष्ण नहीं हो सकता। भगवान क्या बोलते हैं, रसो जल की शीतलता उष्ण मधुरता मैं हूँ, अग्नि की उष्णता प्रकाश मैं हूँ, ये जो विरुद्ध धर्म और मैं दोनों को बोलता है, यानी कि मैं यदि पारमार्थिक निर्विशेष नहीं होता तब ये दोनों विरुद्ध धर्म नहीं। यानी क्यों, यदि शीतलता हमारी पारमार्थिक धर्म हुई तो हम उसमें कैसे होते, यदि उष्णता हमारी पारमार्थिक धर्म शीतल कैसे होते। इस चीज को भगवद गीता इस प्रकार करते समय अभिप्रेत अभिप्रेत अर्थ को समझना ही। देखो अपनी निर्विशेषता को भगवान कैसे हमें प्रतिपादन कर रहे हैं, वहाँ भी ये दिखाना अभिप्राय नहीं है कि मैं सभी में मैं निर्विशेष अधिष्ठान, सभी वस्तु का जो अलग अलग विशेष विशेष गुण का अभिव्यक्त होता है, उस गुण का अभिव्यक्त भूत भरता है, मतलब गुण की अभिव्यक्त करने वाला मैं ही, मेरे कारण से मैं रहने के कारण उसके अंदर जो विशेष गुण होता है वो अभिव्यक्त होने वाले पारमार्थिक मैं निर्विशेष। उसी यहाँ पे बोलते हैं कि निर्विशेष एव आत्मनि सुखित्ता दयो विशेषा कल्पिता, है ना, सुखित्वादि विशेष सारा कल्पना किया गया। जब तो असुखित्वादि शास्त्र आत्मन तत् सुखित्वादि विशेष निवृत्ति अर्थम एव इति सिद्धम। आत्मा को सिद्ध करने के लिए शास्त्र नहीं है तो शास्त्र क्या काम करते हैं, तुम अपने ऊपर जो आरोप कर रखो उसको मिटाने के लिए। इसलिए बोलते हैं जब तुम असुखित्वादि शास्त्र नहीं, जो असुखित्वादि दो नंबर टिप्पणी में देखिए आत्मन वस्तु तो निर्विशेषत्व सुखित्वादि विशेषवत एव अस्थूलम इत्यादि शास्त्र उक्त असुखित्वादय विशेषत्व अविशेषा कल्पिता एव विशेषास्योति आशंक आह। जब असुखित्वादि शास्त्र विधि शास्त्र जो क्या करते हैं हमारे ऊपर इतना धर्म आत्मन वस्तु तो निर्विशेषत्व आत्मा पारमार्थिक निर्विशेष होने के कारण ही सुखित्वादि विशेषवत एव वो सुखित्वादि विशेष वाला सुखित्वादि धर्म कहाँ पे है, मन के धर्म है, शुक अंतकर्ण शुक तो अंतकर्ण के धर्म है। तो अंतकर्ण उपाधि के साथ तो आपने को उस विशेष वाले विशेषवत एवं अस्थूलम इत्यादि शास्त्रों को शास्त्र ने क्या था अस्थूलम अननम रस्म दीर्घ सारा निषेध कर देते हैं शास्त्रों को असुखित्वादय असुखित्वादि विशेषत्व अविशेष वहाँ भी इसी प्रकार से कोई विशेषता तुम्हारे नहीं है यही दिखाना समस्त शास्त्र की सामान्य अभिप्राय है। अविशेषात कल्पित आएगा इसलिए जितना विशेष के तुमने अपने ऊपर आरोप कर रखा सारा कल्पित है। कोई भी व्यक्ति को ये भूलने से ये हम सभी व्यक्ति की एक अंत है, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छा, मैं पढ़ लू अच्छा बुद्धिमान अच्छा लगता सुनने में, मैं गायक हूँ, मैं पाचक हूँ, मैं नायक हूँ, मैं लाभक हूँ, जो भी मैं अपने ऊपर आरोप सब करता अर्थन आता है इतना सब गुण को आरोप करना अच्छा लगता है। तो शास्त्र बोलते हैं कुछ भी गुण तुम्हारा नहीं है, ये सब उपाधि के धर्म है। जितना सारे हम नियमों को बंधन में शुरू शुरू है ठीक है, अगर नियमों के बंधन में जितना हम आएंगे तो हम अपने परिच्छिन्न मान कर ही नियम को पालन करेंगे, धीरे धीरे उस परिच्छिन्न का ही बैरियर बोलते सारा विशेषता है सामान्य रूप से। तब क्या होता है कि अपने व्यापक का प्रभाव को समझते हो, अपने आप ही बोल रहे हैं आपके कल्पिता एव विशेष समस्त विशेष जो है कल्पित है। असुखित्वादि शास्त्र में जो असुखित्वादि क्या बोला था शास्त्र की अप्रामाणिकता है, शंका क्या हुई थी यहाँ पे कि यदि शास्त्र अद्वैत को प्रतिपादन नहीं करते हैं तो अद्वैत शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र इतना ही मात्र करते हैं कि जितना विशेष आपने आरोप किया उस आरोप को निश्चित करके अधिष्ठान को एक अधिष्ठान मैं हूँ ये तो आप जितना विशेषता हमने आरोप करके अधिष्ठान को निर्विशेष सिद्ध करते शास्त्र का काम और दिखाई देता है, ये दिखाई देता है शास्त्र प्रामाणिक है कि नहीं है इस विषय में। आप अपने शास्त्र को पढ़ करके जब हम अपने को विचार करते हैं चिंतन करते हैं तो बोध उत्पन्न होता है, यानी इसी से शास्त्र की प्रामाणिकता शुरू हो जाती है। जब तू सुखित्वादि शास्त्रम आत्मन तत् सुखित्वादि जब तू असुखित्वादि शास्त्र मतलब तुम असुखित्व तुम दुखी हो इस प्रकार जो हमने बोला तुम असुखी तुम सुखित्व धर्म तुम्हारे नहीं है दुखित्व धर्म तुम्हारे इस प्रकार शास्त्र बात पर है
आत्मन तत्सुखित्वादि विशेषण जो अपने ऊपर जो हमने जो आरोप कर रहे ना विशेष कर निवृत्ति अर्थाव उसको विशेष को निवृत्ति करने के लिए शास्त्र का अभिप्राय ये शुद्ध हो जाता है। तीन नंबर टिप्पणी देखा तो विशेष निवृत्ति अर्थम एवं न तो विशेषतया असुखितादि प्रतिपादनार्थम तेषाम आत्मस्वरूप विशेषत्वस्य अभावः। तब ठीक है आप सुखी नहीं बस सुख तो तुम्हारा धर्म नहीं है तो क्या असुखी और दुखी तो हमारा धर्म ये बोल पाएंगे? ये भी नहीं बोल पाएंगे। सुखित तो दुखित तो जैसा हमारा धर्म नहीं है इसी प्रकार असुखित तो और दुखित तो भी हम नहीं बोल सकते। इसलिए बोलता है विशेष निवृत्ति अर्थम भाई न तो विशेषतया विशेष न वाला करना असुखित्वादि प्रतिपादन अर्थम आत्मा में सुख नहीं है दुख नहीं है ये सब जो प्रतिपादन देश वाको का ही सभी प्रिय आत्मस्वरूप विशेषत्व से भगवान वो स्वरूपभूत आत्मा होने के कारण वहाँ पे किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है समस्त विशेषता के अभाव है। इति भाव ये इसके अंदर भाव है इति एवं कृतम बस इतना ही यहाँ पे श्रुति कहना चाहिए कृतम अभिप्रेत अर्थम। इसी को जो है शास्त्र के तात्पर्य जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं सिद्धम सिद्धम तो निवर्त तत्वात् इति आगम विदान सूत्र तत्व जानने वाले मतलब शास्त्र को जानने वाले भी ऐसा सूत्र रचना करते क्या सिद्धम तो शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है क्यों निवर्त तत्वात् हमारी भ्रांत बुद्धि को मिटाने के लिए। ये जो कहाँ आया है ब्रह्मसूत्र नहीं है और शांख सूत्र भी नहीं है न्याय सूत्र हो सकता है सिद्धम तो निवर्त चार नंबर टिप्पणी में देखिए सिद्धम तो निवर्तकत्व शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है क्यों वो भ्रांति को मिटाने वाला निवर्तन करने वाला होने के कारण इति आगम विदाम सूत्र शास्त्र जानने वाले किसी का मतलब हमारा आस्तिक दर्शन में कहीं भी सूत्र है आगम विदाम सूत्र बोल रहे हैं आस्तिक दर्शन वहाँ पे देखिए चार नंबर टिप्पणी बोल रहे पद शक्ति सहकारेण एवं शास्त्रस्य प्रमिति जनरत्तम वो शास्त्र जो शब्द प्रयोग करते हैं किस किस कौन क्या कौन सा शब्दों के द्वारा वो प्रमाण उत्पन्न करेगा कि प्रत्येक शब्द की अपने अपने अर्थ विषय होता है प्रत्येक शब्द की अपने अपने एक निर्दिष्ट विषय होता है ठीक है ना। आज शब्द प्रयोग कहाँ पे हो सकता है जहाँ पे जाति गुण क्रिया संबंध गुरु जहाँ पे वही पे शब्द प्रयोग हो सकता है। आत्मा में ना जाति है ना गुण है ना क्रिया है ना किसी के साथ संबंध है शक्ति वृत्ति से कोई अर्थ ऐसा शब्द नहीं है जो आत्मा को प्रतिपादन करते जब तो आत्मा को प्रतिपादन करने वाला कोई शब्द है ही नहीं तो कैसे कैसे सिद्ध होगा वो। इसलिए बोलते हैं कि पद शक्ति सहकार पद में शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता है उसकी मदद से ही शास्त्र से प्रवृत्ति जनक अर्थम शास्त्र में प्रभाव उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है। अब आत्मा अखिल धर्म सुनने ब्रह्मात्मा समस्त धर्म से रही जो व्यापक आत्मा है उस आत्मा में न कश्यप पदस्य शक्ति किसी भी पद का शक्ति वृत्ति से हमें प्रयोग नहीं किया जा सकता किसी भी पद को शक्ति वृत्ति से हमें प्रयोग नहीं किया। अखिल धर्म सुनने ब्रह्मात्मने न कश्यप पदस्य शक्ति अस्ति नहीं है धर्मवत एव शक्यत्वा ये किसी के अंदर को धर्म जाति गुण क्रिया संग विचार धर्म से कोई एक होता तो शक्ति वृत्ति से कहा जा सकता कुछ भी नहीं है आत्मा में तो कैसे शक्ति वृत्ति से बड़े धर्म मत धर्म वाला का ही शक्ति वृत्ति से समझाया जा सकता है तथा का शास्त्र के वर्ग का जगह शास्त्र न तत्र प्रामाण्यम से इसलिए शास्त्र का आत्म विषय प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होता। इति आलो यदि ऐसा तो शंका करते हैं तो उसके उत्तर में बोलते हैं क्या बोलते हैं सिद्धम तो नहीं नहीं शास्त्र की प्रामाणिकता अपने आप सिद्ध हो जाता क्यों हमारी भ्रांति को मिटा देते हैं निवर्तक क्या निवर्तन किया जितना भ्रांत बुद्धि हमने अपने ऊपर आरोप किया था वो मिटाने वाले आत्मा को प्रतिपादन नहीं करते आत्मा तो मैं सुखी मैं तो अपने आप ही आ रहा है वो तो सुखित दुखित जाते मृत्यु भूख प्यास ये जो हमने आरोप किया था वो मिटा दे दिया इसलिए शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है। इसलिए होते हैं कि सुख के अर्थ है सिद्ध हेतु निवर्तक आत्मविदान शुद्ध
द्राविड़ाचार्य बोल रहे हैं आनंद हमारा आनंद जी सुरेश्वराचार्य की बात को भी हो सकता है क्षेत्रीय उनका बात को भी हो सकता बात की ये भाष्य होते थे इसके ऊपर टीका देखिए थोड़ा सा ठीक है टीकाकार बोलते हैं असुखित्वादेह स्वाभाविकत्वा आत्मनि स्फुरति अस्फुरणम अनुपन्नम इति आशंका देखिए मैं दुखी हूँ मतलब असुखी मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ मैं मूढ़ हूँ मैं जाति जितना भगवान वाचकर ऊपर बोला ना आदि प्रतिशत उसको ग्रहण करना असुखित्वादि स्वाभाविकत्वा इसी को पूछ करके देखो भाई तुम क्या हो कैसे हो मैं तो महाराज दुखी हूँ मैं नहीं समझ सभी व्यक्ति यही बोलते हैं क्योंकि आत्मस्वरूप का बोध नहीं है इसलिए बोलते हैं असुखित्वादि स्वाभाविकत्वा तो स्वाभाविक होने के कारण आत्मनि स्फुरति इसलिए आत्मा में तो स्फुरित होता है अस्फुरणम अनुपन्नम वो कभी समझ में नहीं आएगा ये कहना युक्ति संगत नहीं है यदि आशंका देखो यदि ऐसा होता ना तो जैसा मैं की अनुवृत्ति हो रहा है इसी प्रकार दुखित्व की अनुवृत्ति भी हमेशा होता रहेगा तो तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे अथवा अपने को सुखी अब मानते हो तो तुम कभी अब जैसा मैं की अनुवृत्ति होता है सुख में भी दुख में भी इसी प्रकार सुख और दुख भी यदि मैं की तरह एक नित्य वस्तु होता तो आप विपरीत धर्म कभी नहीं कह पाते इसलिए मैं वास्तविक देख लीजिए इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि असुखित्वादि स्वाभाविकत्वा आत्मनि स्फुरति अस्फुरणम अनुपन्नमिति आशंका अब देखो भ्रम विषय सुक्ति इदम अंशादिश्च भ्रम के विषय यहाँ पे भ्रांति होती है यहाँ पे एक सामान्य भाग है एक विशेष भाग भ्रांति में क्या सामान्य भाग है ये सर्प है ये है ये जो है ये रज्जु के सामान्य अंश की अनुवृत्ति आ रहा है ये है पर जो रज्जु के जो विशेष अंश रज्जु है उसको ग्रहण नहीं हुआ फल तब क्या कह दिया सर्प है ये जो सामान्य अंश की अनुवृत्ति होगी तो सामान्य अंश अनुवृत्ति होते हैं उसको बोलते हैं भ्रम विषय सुक्ति इदम अंशादेश भ्रम की विषय सुक्ति का जिन इदम उसका स्वाभाविक हुआ भी वो स्वाभाविक होते हुए भी रजतादि भेद दोष आदि हमारे अंदर क्या है रजत प्राप्ति की लोभ बैठा हुआ राग है उसके प्राप्ति की इच्छा है उस लोभ की महिमा से लोभ की महिमा से अथवा राग की तीव्रता के कारण भेद दोष उसकी दोष की महिमा से रजतादि भेद मतलब रजतादि जो विशेषता है उसकी महिमा से दोष महात्मा क्या हो जाएगा हमारे मन में दोष बैठा हुआ क्या है रागात्मक दोष बैठा हुआ यथा न प्रतिभाति फर्क क्या हो गया सुक्ति का जो इदम अंश है वो प्रतिभाति नहीं होते हुए ये रजत है ऐसा बोल देते हैं ठीक ही इसी प्रकार सामान्य जो आत्मा के इदम अंश है अयम आत्मा ये जो है ना अहम करके जो आता है सामान्य वृत्त उसका ग्रहण नहीं होता ब्रह्म किसको होता है सुखित्व दुखित्व का ग्रहण होता है सुखित्व दुखित्व इसलिए बोलते हैं यथा न प्रतिभाति तथा अचिंत्य शक्ति अविद्या प्रभाव वहां पे जैसे राग देश के प्रभाव से राग के कारण सामने जाता हूँ देश के कारण भग जाता हूँ सर्प के प्रति देश है रजत के प्रति अशक्ति है इसीलिए आना जाए व्यवहार होता है इसी प्रकार से अचिंत्य शक्ति अविद्या के प्रभाव से आत्मा की जो सामान्य अंश है ना आत्मा के सामान्य अंश का वहाँ पे रहते हुए भी उसका इग्नोर कर देते हैं विशेष अंश का हम अभिव्यक्त कर देते हैं विशेष अंश क्या सुखी जो भी हमने आरोप किया प्रसिद्ध होते हैं तथा अचिंत्य शक्ति अविद्या प्रभाव आत्मा ने स्फुरित भी आत्मा के सामान्य से पूर्ण होते हुए भी सुखित्वादि अभ्यास विरोधी असुखित्वादि रूपे अस्फुरणम अविरुद्ध इसलिए जो हमें सुखित्वादि अभी होते हुए भी अध्यास विरोधी जो सुखित्वादि अध्यास के विरोधी असुखित्वादि रूपे अस्फुरण अविरुद्ध उस रूप में स्फुरण होना कोई विरोधी बात तो नहीं है जो क्योंकि आत्मा सामान्य है उसके ऊपर कभी सुखित तो कभी दुखित तो हम आरोप करके व्यवहार करते हैं क्यों सामान्य अंश की ग्रहण नहीं होना विशेष अंश की ग्रहण होना और अज्ञान की महिमा से इस प्रकार रजत प्राप्ति की एक इच्छा हमारे अंदर बैठ रहा उसके क्या होता है कि उस वहाँ पे विशेष क्या देखने को उसमें मन वो रजत ही है वहाँ पे सर को अगर देश बैठा मन में तो फिर डर बैठा उसके वहाँ पे जाकर के देखो भी इच्छा नहीं होता भागने का कोशिश करते हैं
ठीक इसी प्रकार आत्मा की सुरति अपनी सुखित्वादी अध्यास विरुद्ध सुखित्वादी अध्यास के विरोधी जो असुखित्वादि रूप ने अस्फुरण अस्फुरण होना अविरुद्धम यदि इसके मन में रखते बोलते कि आत्मस्वरूप पर असुखित्वादी अपनी सुखित्वादि भेदेशु न अनुवृत्त धर्म यदि वो एक धर्म भी उसमें अनुवृत्ति होती ना तब क्या होता आप उस धर्म के साथ ही हमेशा देखते जिस प्रकार मैं हमेशा आ रहा है सुखित्व दुखित्व जात मृत्यु व्यक्त अव्यक्त इसमें कोई भी एक धर्म यदि आत्मा में पारमार्थिक रहता होगा तो मैं के साथ उसकी अनुवृत्ति भी होती तो उसके विरुद्ध धर्म कभी आपके पास इसीलिए यहाँ पे बोलते आत्मा स्वरूप असुखित्वादी अभी सुखित्वादी भेद सुना अनुवृत्त धर्म अस्ती विपक्ष यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ये भ्रम है और ये सत्य है या निश्चय नहीं कर पाओगे एक तभी वो सत्य हो जाएगा उससे कभी मुक्त नहीं होगा इसके बोलते विपक्ष भ्रम अनुपत्ति यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ये आरोपित वस्तु है ये कहना युक्ति संगत नहीं होगा यदि आओ क्या बोलते यदि अनुवृत्त है न अध्यारोपित यदि उसकी अनुवृत्ति होती तो आत्मा की इदम अंश के तरह ये भी अनध्यारोपित होता और अनध्यारोपित होने के कारण इससे निवृत्ति भी कभी नहीं हो पाती निवृत्ति भी कभी नहीं हो पाती सुखित्वादि लक्षण विशेष यहाँ पे देखिए उक्तम अर्थम संक्षिप्त निगमयति इसको कथन करने के बाद संक्षिप्त उसका निगम अनुपसंहार करते हैं दृष्टांत द्वारा सुंदर दिया भगवान भाषा जाता औष्णत्व विशेषवती अग्नौषितता ठीक है ना निर्विशेष विशेषवती आत्मा आत्मनि विशेषता इसमें आप दृष्टांत का अष्टतम कैसे घटाएंगे जिस प्रकार उष्णता है जिसकी विशेषता है उसमें जैसा शीतता आरंभ होता है इस प्रकार निर्विशेषता ही जिसकी विशेषता है निर्विशेषता ही जिस आत्मा की विशेषता है वहां पे कुछ भी विशेष आरोप करेंगे वो आरोपित धर्म सत्य धर्म नहीं हो सकता तस्मा इसलिए जिसको यहाँ पे कह कर आया इतना देर तक ना ही उसको अपने निगमन करते हैं तस्मात निर्विशेष आत्मनिव निर्विशेष आत्मा में ही सुखित्वादय विशेष कर जितना भी विशेष धर्म हम अपने में आरोप करते हैं ध्यान रखना ये सभी हमारे लिए प्रतिबंध होता है मुक्ति के लिए तो स्वरूप के गुण के लिए प्रतिबंध होता है किसी भी नियम को किसी भी मतलब विशेषता को हम आप जीवन में अपना के लिए ध्यान रखना है जब शास्त्र पढ़ते हैं ये तो केवल मतलब मन को अनुशासित जीवन को अनुशासित रखने के लिए वो ये सब जीवन के साथ मन शरीर इंद्र मन बुद्धि में है नियम आत्मा में कोई नियम नहीं है सारा विशेषता शरीर इंद्र मन बुद्धि में है आत्मा में कोई विशेषता नहीं है उस आत्मा की निर्विशेषता को समझने के लिए पहले जो विशेषता हमने आरोप किया उसको व्यवहार करके अवांछित विशेषता को हटा देंगे वांछित विशेषता को जीवन को एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ करने के बाद फिर निर्विशेष में चले जाना फिर उसको भी छोड़ देना है या तो भगवान नहीं बोलते कि धर्म आचरण भी छोड़ दो वो भी प्रतिबंध बनता है ना इसीलिए धर्म के द्वारा अधर्म से ऊपर उठ करके फिर जो है धर्म को भी छोड़ देना इस प्रकार बोलते हैं ना पैर में कांटा चुभा तो एक कांटा के द्वारा दूसरे कांटा को निकाल करके फिर दोनों कांटा को फेंक देना दोनों कांटा को फेंक देना इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि उक्तम अर्थ स्वरूप असुखित्वादे अकल्पितत्वम असिद्धम आशंक नहीं नहीं असुखित्वादे कल्पित नहीं है तो शंका करने का मतलब नहीं दर्शते नहीं ये तो तुमने कल्पना किया था ना जब असुखित्वादि शास्त्र आत्मन तद सुखित्वादि विशेष निवृत्ति अर्थम एवं इति सिद्धम देव अस्थूलम अस्थूल मनलो मनस्समदेकम शोकांतरम इत्यादि वाक्यम शास्त्र शब्देन गृह्यते यहाँ पे जब असुखित्वादि शास्त्र से क्या लेंगे जितना निषेधात्मक वाक्य श्रुति में आया हुआ है शास्त्र क्या लेंगे जितना निषेधात्मक वाक्य श्रुति में से बोलते हैं अस्थूलम शोकांतरम इत्यादि वाक्यम शास्त्र शब्द शास्त्र शब्द के द्वारा वो जो वाक्य भाष्य में शास्त्र पदा इसके द्वारा उसका ग्रहण होता है तो पांच नंबर टिप्पणी में देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे शोकांतर का शोक वर्जित शोक मध्यम का अर्थ शोक मध्यम मध्यम इति अस्य च शोकस्य अपि प्रत्यगात्मरूपम् इति अर्थ है ना शोक का भी अधिष्ठान प्रत्यगात्मा ही है
अधिष्ठान के ऊपर कल्पिता शोक अंतरम शोक से रहित है, और जो प्रतीति होती है वो आत्मा अपने अधिष्ठान के ऊपर प्रतीति होती है। वाक्य शास्त्र शब्द देना मिल जाते उक्ते अर्थे जिस चीज को यहाँ पे कहा गया इस विषय में, मतलब शास्त्र अपने आप सीधा सीधा आत्मा की प्रमाणित नहीं करते हुए आत्मा के ऊपर आरोपित धर्म का निवर्तक बन जाता है। आत्मा को प्रतिपादन नहीं करते हुए शास्त्र क्या करता है, आत्मा के ऊपर आरोपित धर्म का निवर्तक बन जाता है शास्त्र। उक्ति अर्थे द्राविराचार्य सम्मति आहत छह नंबर टिप्पणी। उक्ति अर्थ मतलब आत्मनो अखिल धर्म सुन्नत्व रूपे इति अर्थ, आत्मा समस्त धर्म से रहित है समस्त विशेष। इस विषय में द्राविराचार्य के वक्त को यहाँ पे प्रमाण के रूप में देते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिद्धं तु निवर्तकत्वात् इति आगम विदां सूत्रम। आगम को जानने वाला ऐसा सूत्रकार में कहते हैं नहीं नहीं, शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है। क्यों, सारा भ्रांत बुद्धि को मिटाने वाला होने के कारण। आत्मविषय कोई बुद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते, हम भ्रांति को मिटा दो तो आत्मा जैसे अभी सही है निश्चय हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि सिद्धम तो निवर्तक है। देखो उसका अर्थ करता है, ब्रह्मणि पदानाम व्युत्पत्ति अभाव्यापी, निर्विशेष आत्मा व्यापक तत्व में पदों की व्युत्पत्तिगत अर्थ शक्ति वृत्ति से अर्थ का अभाव होने पर भी, ठीक है ना, किसी भी पद का शक्ति वृत्ति से ब्रह्म अथवा आत्मा में उसको प्रकाशन करने के सामर्थ्य में, जो प्रेम कहते हैं, तो तुरंत आपके मन में इस प्रकार की कोई वस्तु आती है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको द्वारा अपनी विशिष्ट आत्मा कहा जा सके। इसलिए ब्रह्मणि पदानाम व्युत्पत्ति अभावापी सिद्धम एवं शास्त्र से प्रामाण्यम, फिर भी शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध है। क्यों, अभाव बोधन उत्पन्न नय पद संसिष्टि स्थूलत्वादि व्युत्पन्न पदे स्वाभाविक द्वैत अभाव बोधनेन अध्यस्त निवर्तकत्वादि की सूत्रांत, ठीक है ना। क्या बोला, शास्त्र से शास्त्र का प्रामाण्यम अभाव, शास्त्र की प्रामाणिकता के अभाव, इसमें अद्वैत परंतु अवबोधन उसको अभाव प्रामाण्यम अवबोधन व्युत्पन्न नय पद संसृष्टि उसके साथ क्या है, अस्थूल स्थूल पद के साथ नय अस्थूल अननु अहस्य अदीर्घ अभोत्रम, अब इस प्रकार सब नय पद आया हुआ है। जैसे बताए कि अभाव बोधन की अभाव को उस वस्तु का अभाव को बोध करके व्युत्पन्न जो उसको उसमें जो है व्युत्पन्न शब्द का मतलब शक्ति अर्थ, नय का शक्ति किसमें है, निषेध में है, नय का शक्ति जो निषेध है वो स्थूल रस दीर्घ सब का निषेध करते हुए उसका अभाव का बोध कराते अपने में। इसलिए आप बोलते हैं कि प्रामाण्य अवबोधन व्युत्पन्न नय पद संसृष्टि नय पद के साथ जुड़ करके स्थूलत्वादि व्युत्पन्न पद, व्युत्पन्न पद क्या है, बोध कराने वाले पद क्या, स्थूल ह्रस्व दीर्घ रक्त पीत ये सब व्युत्पन्न, इसका अर्थ आपको बोध होता है। उसके साथ आपने क्या किया, नयों का जोड़ किया, तो नौयों का जोड़ करके उसका निषेध कर दिया, उतना निषेध आपको कहाँ था, अपना अपने में हो जाएगा। इसलिए आगे बोलते हैं कि उत्पन्न संपद संशिष्ट स्थूलादि उत्पन्न पद, जिसका बोध आपको है उस बोध वाला पद को निषेध करते हुए जितना अपना पद है स्वाभाविक द्वैत अभाव बोध बने ना, जो स्वाभाविक द्वैत प्रपंच जो दिखाई दे रहा है उसकी निषेध के बोध के माध्यम से अभाव बोध बने ना अध्यस्त निवर्तक, जितना हमने अपने ऊपर अध्यस्त कर रखा था उस अध्यस्त वस्तु का शास्त्र का को क्या होता है, ये अध्यस्त धर्म को निवर्तन कर देते हैं। शास्त्र क्या काम करते हैं, आत्मा के ऊपर आत्मा के लिए सीधा सीधा प्रमाण प्रथम सर्व वेदांत सिद्धम करवेगी, वेदांत तो आत्मा को प्रमाणित नहीं किया, वेदांत तो क्या किया, आत्मा में ऊपर जितना हमने भ्रांति से आरोप कर रखा था उतना मात्र मिटाने में मदद। इसे बोलते हैं स्थूलत्वादि उत्पन्न पद स्वाभाविक द्वैत अभाव बोधने न स्वाभाविक द्वैत के अभाव के बोध के माध्यम से अर्थस्थ निवर्तकत्व सिद्धम, शास्त्र से प्रामाणिकत्व सिद्धम, शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है निवर्तकत्व तत्व अर्थस्थ निवर्तकत्व इति सूत्र, इस सूत्र का ये अर्थ है। वहाँ पे देखिए सात नंबर आठ नंबर टिप्पणी दिखेगा, सात नंबर टिप्पणी होता है व्युत्पन्न होता है शक्ति के शक्ति वृत्ति से जो अर्थ होते हैं वो व्युत्पन्न होते हैं, और स्थूलत्वादि व्युत्पन्न पद ही बोलते हैं स्थूलत्वादि अर्थ बोधन शक्ति। हमने आपने कहा मोटा मोटा शब्द कहने से आपका कुछ बोध उत्पन्न होता है, तो फिर हमने नौ जोड़ दिया, नहीं आत्मा मोटा नहीं है स्थूल नहीं है, आत्मा न रस्य न दीर्घम
न शुक्लम न पीतम न पूनम न कीर्ति कुछम, कुछ भी नहीं है आत्मा में। इस प्रकार से इस निषेध के द्वारा जो बोध बैठा हुआ है उसको निषेध उत्पन्न करता है। इस प्रकार निषेध के माध्यम से शास्त्र की प्रामाणिकता से बताए शास्त्र अप्रामाणिक नहीं है। आत्मा के लिए शास्त्र वाक्य नहीं होने पर भी परंतु आत्मा के ऊपर आरोप किया जो धर्म उसका निवर्तक होने के कारण शास्त्र के प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए। बस उसके बोधन की सामर्थ्य और शब्द स्थूल आत्मा नहीं है, आत्मा सूक्ष्म नहीं है, आत्मा ह्रस्व नहीं है, आत्मा दीर्घ नहीं है, आत्मा लंबा नहीं है, सब विषय जो हमारे मन में बैठा हुआ है सब विषय का ठीक है। तो अंतिम में जो लास्ट का पहला वाला परिग्रह है अजम अपि योनि योगं प्राकलश्वर्य योगात् अगति यगतिमत्त्वां प्रापदेकं नयनेयं विविधमिति यतधर्मत्रायिमुद्भूतेरशानां प्रणतमयविहन्त्री ब्रह्मयत्तन्न दोषी। शांति शांति।